हाय, कोई भी एड की कॉपी कैसे लिखी जाती है, ये एक अक्सर सवाल आता है। हम कैसे ऐसी कॉपी लिखें या यू नो वीडियो की स्क्रिप्ट ऐसी हो या कोई भी यू नो भले ऑडियो हो वीडियो हो इमेज हो, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द डिज़ायर। हम कैसे उसकी डिज़ायर बढ़ाएं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट ले ले, यही होता है ना। एड कॉपी, एड की कॉपी, कोई लेटर की कॉपी, कोई वीडियो की स्क्रिप्ट की कॉपी, वही होता है डिज़ायर कैसे बढ़ाएं। मैं एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा, मुझे नाम तो ध्यान नहीं उनका, बट वो कोट मेरे दिमाग में बैठ गया। वो ये है कि आप कभी भी किसी की डिज़ायर नहीं बढ़ा सकते, उसकी जो ऑलरेडी डिज़ायर है उसको डायरेक्ट कर सकते हो टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे हम वीडियो मेकिंग में हैं, वीडियो इन्फ्लुएंसिंग बोल सकते हैं, तो आपने कई वीडियो इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो उतना ज़्यादा कंटेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट स्टिल उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। ऐसा जो जिनका कंटेंट अच्छा होता है ना, उनको ये ज़रूर लगता है कि ऐसे लोग हैं जो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हमारा कंटेंट उनसे बेहतर है, पर उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। अब ये एक डिज़ायर है, ये एक बोलते हैं ना एक मेन थीम है जो उनके दिमाग में है कि हम वीडियोज़ नहीं बना पाते पर हम बेहतर हैं उनसे, जो लोग वीडियोज़ बना पाते हैं वो कुछ तो भी कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने पूरा ऐड बनाया, एक यह ऐड का ग्लिम्स मैं आपको दे दूंगा, देखो किस टाइप के बंदे ने स्टार्ट किया है ये ऐड और उसकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ऐसा दिखाया गया हमने ऐड में। और बाद में फिर एक बंदा दिखाया जो है बहुत अच्छा, मिस्टर ओलंपिया है, पर वो उतनी लीड जनरेट नहीं कर पा रहा अपने बिजनेस के लिए। समझ गए आप, एक मेन थीम पकड़ी, एक मेन डिज़ायर पकड़ी, एक मेन कंप्लेन पकड़ी, एक मेन दुश्मन पकड़ा, माइंडसेट, और जो कस्टमर का माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट को समझते हुए एक चीज़ पकड़ी और उससे रिलेटेड पूरी बात करी। तो क्या वो कॉपी अच्छी बनी? एब्सोल्युटली अच्छी बनी। पर क्या वो कॉपी ने उनकी डिज़ायर बढ़ाई वीडियो बनाने की? नहीं, वो डिज़ायर उनके अंदर थी कि यार हम अच्छे हैं, बस हम वीडियो नहीं बना पाते, बस हम वीडियो नहीं बना पाते। वो हमने पकड़ते हुए उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, इस तरीके से कॉपी राइटिंग करी, वीडियो वर्क वेरी वेरी वेल, और ऐसा हर बार हम करते हैं। तो ये एक यू नो एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से आपको कि भाई वो कॉपी होनी चाहिए ना, वो एक मेन थीम पे होनी चाहिए, वो मेन थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कॉपी। तो आपको अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा, उसे वन टू वन करना पड़ेगा, उसके दिमाग में बैठना पड़ेगा, उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि अच्छी कॉपी क्या है। तो अच्छा कॉपी राइटर वही होता है जो वो थीम को पकड़ते हुए आपके प्रोडक्ट को रिलेट कर दे उसकी वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से, वो बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के तरीके से। आई होप इट इज़ यूजफुल गाइज़।